पहुंच गए और उस रोज रफी साहब ऑलरेडी प्लेन में बैठ चुके थे, ऑलरेडी प्लेन में बैठ चुके थे, प्लेन टेक ऑफ करने वाला था और रिक्वेस्ट करके एयरपोर्ट अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे अंदर पहुंचे, फ्लाइट अटेंडेंट को बताया कि भाई हमें बात करनी है रफ़ी साहब से। फ्लाइट में पहुंचे, रफ़ी साहब को देखा, रफ़ी साहब से रिक्वेस्ट की कि रफ़ी साहब ऐसी ऐसी बात है, वो सिंगर आ नहीं पा रहे हैं तो आप अगर कुछ हेल्प कर ले, अगर आप आ सके। एक भी शब्द रफ़ी साहब ने नहीं कहा, वो उतरे प्लेन से, गाड़ी में बैठे और गाड़ी में अमिताभ जी की राह देखने लगे कि भाई चलो प्रोग्राम भी तो करना है हमें। ये सिंप्लिसिटी थी रफ़ी साहब की जो आज तक सबको पता है। तो चलिए इसी बीच अमिताभ जी और रफ़ी साहब का एक डेडली कॉम्बो, एक फिल्म थी जंजीर, उस फिल्म का एक प्यारा सा गीत, प्यारा सा डुएट। Thank you.
शुक्रिया। तो चलिए अब इस प्रोग्राम के आखिरी दौर में हम आ गए। एक गीत